देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, आप देख रहे हैं रामकृपाल सिंह जी, अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी। आज शो में चर्चा करेंगे एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, उनमें क्या संदेश छिपा है? हालांकि एग्जिट पोल अलग अलग रुझान दिखा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं और शुरुआत में एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़ों से करूं, तो एबीपी न्यूज सी वोटर आंकड़ा एग्जिट पोल का, जिसका औसत बीजेपी के लिए 100 कांग्रेस 125, मतलब सरकार कांग्रेस की बन रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के हिसाब से। टाइम्स नाउ में भी आप देखिए जो सर्वे आया वहां पर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हासिल कर रही है। TV9 के सर्वे में भी कांग्रेस जो बहुमत का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का 116 जादुई आंकड़ा वो हासिल कर रही है। अब नीचे आप देखेंगे बाकी जो अन्य एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, जिसमें माय एक्सेस चाणक्य का आंकड़ा आपके सामने है, इन तमाम आंकड़ों में एग्जिट पोल के तस्वीर उलट है, बीजेपी सत्ता हासिल कर रही है। तो ऐसे में पोल ऑफ पोल्स का बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश का, बीजेपी 125 और कांग्रेस 102, तो इन एग्जिट पोल के औसत से आखिरकार मतलब क्या निकाला जाए, मायने क्या निकाले जाएंगे, क्या इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है क्या, ऐसे संकेत पाकर शिवराज सिंह चौहान के तो हौसले बुलंद हो गए। सुनिए जरा वो क्या कहना है। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। सही कहा है, कांटे की टक्कर नहीं है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और हर हालत में सरकार हम बना रहे हैं कि इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है कांग्रेस इस चुनाव में, इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ABP News आपको रखे आगे।